मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा, मेरे घर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहा है, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण, मैंने अपने काव्य में बिखेरे है उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, ओ मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से एक महीने पहले करूंगा तैयार, वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राए आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मुद्राए आप मेरी मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और उनके बीस सूची हृदय में रौद्र की जगह गंध समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, क्षमा कीजिए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, फिर झुका कर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रो कर कहा ठहरिए अज ठहरिए, सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ दे कर क्यों नहीं जाते, तो आप मुझे कुछ दे कर कुछ नहीं जाते, तो आप मुझे कुछ दे कर क्यों नहीं जाते। इनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए।
पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम कम से कम कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। छापा 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 छापा